उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर बनाते हुए स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में उच्च कोटि की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रदेश सरकार का संकल्प पूरा हो रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 51 चिकित्सालयों का सौंदर्यीकरण प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों के लिए अनुकरणीय है। प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में से इटावा का भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय इन्हीं में से एक है। अतिक्रमण की जंजीरों के कारण लुप्त पहचान को फिर से प्राप्त कर सेवा के लिए तत्पर अस्पतालों का स्वरूप अद्वितीय है। सुनियोजित पार्किंग, लैंडस्केपिंग और हरे भरे बगीचों को देख अनायास बड़े निजी चिकित्सालयों के सौंदर्य से तुलना होने लगी है। कैंपस में बिखरी हरियाली रोगियों परिजनों को एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही है। रोगियों की सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू डेस्क चिकित्सालयों की कार्यकुशलता एवं व्यवहार कुशलता के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ई हॉस्पिटल योजना के अंतर्गत पंजीकरण काउंटर से कंप्यूटराइज्ड पर्चा बनवाना एक सुखद एहसास है। ओपीडी वार्ड ओटी शौचालयों सहित संपूर्ण परिसर को स्वच्छ रखने के लिए जारी प्रयास अच्छे लगते हैं। अब चिकित्सालय में 24 घंटे एक्सरे एवं अन्य जांच की सुविधा उपलब्ध होने के कारण तुरंत रोग का पता चल रहा है। चिकित्सकों के कमरों के बाहर इंतजार की लाइन को छोटा करने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए वार्डों ओटी एवं इमरजेंसी विभाग में कैश कार्ड उपलब्ध कराया गया है। साफ सुथरा वार्ड, स्वच्छ बेड्स और पूर्ण रूप से क्रियाशील नर्सिंग स्टेशन प्रदत्त सुविधाओं को नया रूप दे रहे हैं। सफाई वफाई की तो पूछो ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया सफाई है। सफाई इतनी अच्छी है, ये मान लो 3-4 बार तो पहुँचे लगते हैं हमारे यहाँ इस वार्ड में। रोगियों के उपचार में बाधा एवं संभावित संक्रमण को रोकने के लिए वार्डों में सीमित और व्यवस्थित आवागमन के लिए पास व्यवस्था लागू है। रोगियों को पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सालय में रसोई का सुदृढ़ीकरण किया गया है। अस्पताल में लगाए गए साइनेज रोगियों और उनके परिजनों को अपनी आवश्यकता की सेवाओं को खोजने में मदद कर रहे हैं। प्रशिक्षित एवं समर्पित चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता से प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित हाथों में होने का विश्वास जगा है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सुरक्षित रक्त अस्पतालों में ही मिलेगा। हाईटेक और अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ स्टोर कीपर की देखरेख में संचालित ब्लड बैंक जीवन संकट से जूझ रहे लोगों को सुरक्षित रक्त मुहैया करा रहा है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पहले से काफी बेहतर है। चिकित्सालयों में संक्रमण नियंत्रण एवं स्वच्छ बेडशीट और कपड़े उपलब्ध कराने के लिए मशीनीकृत लॉन्ड्री व्यवस्था द्वारा उचित लिनेन प्रबंधन करने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। गरीब परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत संचालित आयुष्मान भारत का सपना यहीं तो साकार हो रहा है। ये हमारा आयुष्मान योजना के तहत इलाज हो रहा है हमारा, और इलाज एकदम बढ़िया चल रहा है। हर चीज की कोई हमारे परेशानी नहीं है। सामान्य कचरों एवं जैव चिकित्सीय कचरों को सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जा रहा है, जिससे चिकित्सालय से निकलने वाले कचरे से किसी को कोई नुकसान ना हो। बदल रहे हैं हम आपके लिए, एक बेहतर कल के लिए।